एमन एकजन महिषी नारी जार सन्तानदेरके चोखेर सामने फुटन्तो तेले फेले मारा हयेछिलो तबुओ तिनि ईमान छाड़ते राजी हननि। आल्लाहर प्रति एतटाई भालोबासा छिलो जे निजेर सन्तानेर मृत्यु मेने नियेछिलेन तबु आल्लाहर साथे काउके अंशीदार करेननि। प्रिय बंधुगण, इस्लामेर इतिहासे एमन कीर्तिमान महिषी नारी दुइजन पावा जाय। तादेर एकजन छिलेन जालिम बादशाह फेराउनेर स्त्री हजरत आसिया, जिनि एक आल्लाहर उपर ईमान रक्षार जन्य फेराउनेर निर्यातन सह्य करेछेन एबं एक पर्याये निजेर प्राण विसर्जन करेछेन। आर अपर एक महिषी नारी छिलेन फेराउनेर मेयेर दासी। आजकेर भिडियोते आमरा तार सम्पर्केई विस्तारित काहिनी जानार चेष्टा करब इनशाआल्लाह। प्रिय बंधुगण, प्राय 3000 बछर आगेर कथा। तखनकार समय मिशरेर शासन करत अत्याचारी राजा फेराउन। से शुधु एकजन अत्याचारी और विद्रोही राजा छिलो विषयटी एरकम नय, बरং से निजेके खुदा बोले दाबी करत एबं प्रकृत खुदा आल्लाह ताआलाकेও চ্যালেঞ্জ करार साहस करत। फेराउन अत्यंत दुष्ट और निष्ठुर प्रकृतिर लोक छिलो। से तार प्रजादेर निर्देश दिएछिलो तारा जेन सब समय ताके सेजदा करे, आर जे व्यक्ति ताके सेजदा करते अस्वीकार करत फेराउन तार उपर निर्यातनेर पहाड़ चापिए दित, एमनकि ताते जोदि काज ना हतो ताहले ताके मेरे फेलतेও द्विधा करत ना। सेई समये आल्लाह ताआला तार सत्यनबी हजरत मूसा आलाइहिस्सालामके प्रेरण करलेन, जिनि बनी इसराइलदेरके एक आल्लाहर दिके दावत देन एबं मिथ्या मूर्तिदेर उपासना थेके बिरत थाकार निर्देश दिएछिलेन। तार दावते फेराउनेर प्रासादेर एकजन नारी हजरत मूसा आलाइहिस्सालामेर धर्म ग्रहण करेछिलेन एबं तिनि एक आल्लाहर प्रति ईमान आनयन करेछिलेन। प्रिय बंधुगण, ओई महिषी नारीर नाम कि छिलो से ब्यापारे इतिहासेर किताबे कोनो तथ्य पावा जाय ना। तिनि फेराउनेर प्रासादे एकजन चाकरानी छिलेन। फेराउन ताके तार पालक मेयेर सेवा और काज करार दायित्वे नियोजित करेछिलो। विशेषकर तिनि फेराउनेर मेयेर चूल आचरानोर काज करतेन, बिदाय एई काजेर दिके सम्बन्ध करे ताके माशाता मुशाता बा माशिता नामे उल्लेख करा हयेछे। मूलत एटा तार आसल नाम छिलो ना। जाइ होक एकदिन तिनि फेराउनेर पालक मेयेर चूल आचराच्छिलेन, तो चिरुनी करार समय भूलवशत तार हाथ थेके चिरुनीटी पड़े जाय एबं तार जिब्बा थेके शतस्फूर्तभावे आल्लाहर नाम अर्थात बिस्मिल्लाह बेर हये जाय। तखन फेराउनेर कन्या बोल्ल, आजके तुमी एक अद्भुत कथा बोल्ले, आमार पिता फेराउन तो सकलेर प्रभु, ताहले तुमी कार नाम नियेछो? तिनि उत्तरे बोल्लेन, फेराउन प्रभु नय, बरং प्रभु हलेन एकमात्र आल्लाह ताआला, जिनि आमाके तोमाके एबं फेराउनेर जन्य रिजिकेर व्यवस्था करेन। तखन राजकन्या बोल्ल, अच्छा तुमी कि आमार बाबा छाड़ा अन्य काउके तोमार प्रभु मने करो? तिनि उत्तर दिलेन, हाँ, आमार तोमार एबं तोमार पिता सकलेर प्रभु हलेन एकमात्र आल्लाह ताआला, आमी ताकेई प्रभु मने करी। अतःपर राजकन्या तार बाबा फेराउनके विषयटी जानिए देय। फले से अत्यंत क्षुब्ध हये ओई चाकरानीके तार दरबारे डाके। जखन तिनि हाजिर हलेन तखन फेराउन ताके जिज्ञासा करलो, तुमी कि आमाके व्यतीत अन्य काउके तोमार रब बोले मेने नियेछो? तिनि स्पष्ट भाषाय जवाब दिलेन, आमी तोमाके खुदा हिसेबे मेने निते पारबो ना, आमार ओ तोमादेर पालनकर्ता एकमात्र आल्लाह ताआला, जिनि सुउच्च और महान। फेराउन जवाब शुने हतबाक हये गेल। से एमन मजबूत और साहसी उत्तरेर आशा करेनि। अतःपर फेराउन भाबलो जे एई महिलाके एमन शास्ति देवा उचित जाते आर केउ एमन काज करार साहस ना पाय, एबं फेराउन जानतो जे एई महिला तार सन्तानदेर अपरिसीम भालोबासे। ताई फेराउन दासीर सन्तानदेरके राजदरबारे हाजिर करार निर्देश देय एबं फेराउन सैन्यदेरके एई निर्देश देय जे एकटी बड़ कड़ाईते तेल दिये ता उत्तप्त करा होक। अतःपर कड़ाई जखन गरम हये जाय तखन फेराउन आदेश दिल जे एई महिलार सब सन्तानके एके एके फुटन्तो तेले दिये हत्या करा होक। फले फेराउनेर आदेश शोनार साथे साथेई ओई महिलार चोखे अंधकार नेमे आसे। अतःपर ओई महिला अत्यंत धैर्य और साहसेर साथे निजेके नियंत्रण करे नेन। सैन्यरा दासीर एक सन्तानके धरे टेने निये जेते थाके। शिशुटी चित्कार करते शुरू करे एबं तार मायेर काछे साहाज्य चाय एबं सैन्यदेर काछेओ करुणा भिक्षा चाय एबं आशाभरा चोखे फेराउनेर दिके ताकाय, किन्तु सैन्यरा निष्ठुरभावे ताके धक्का दिये करायेर काछे निये जाय। माशिता तार सन्तानेर दिके स्नेहमय चोखे ताकिये ताके बिदाय जानाते बाध्य हय। किछुक्षणेर मध्येई तार कलिजार टुकरा सन्तानके फुटन्तो तेले फेले देওয়া हय एबं फेले देওয়ার साथे साथेई निष्पाप शिशुटिर हाड़ तेलेर उपर भेसे उठते थाके। अतःपर फेराउन माशितार दिके ताकिये बोले, एबार अंतत तोमार आल्लाहके छेड़े आमाके प्रभु हिसेबे ग्रहण करो। माशिता साहसी दृष्टिते फेराउनेर दिके ताकाय एबं ताके प्रभु हिसेबे ग्रहण करते अस्वीकार करेन। फले दासीर एई साहस देखे फेराउन आबारो हतबाक हये जाय। किछुक्षण पर तार अन्य सन्तानदेरकेও फुटन्तो तेले छेड़े मेरे फेला हय। एबार सैन्यरा ओई महिलार छोट्ट शिशुटिर दिके एगिए जाए। जखन सैन्यरा छोट्ट शिशुटिके निये जाए तखन शिशुटी जोरे जोरे चित्कार करा शुरू करे। एई भयंकर दृश्य देखे एकजन मायेर मनेर अवस्था केमन होते पारे ता सहजोई अनुमेय। माशिता निजेके सामलाते ना पेरे माटिते लुटिये पड़े एबं जोरे जोरे काटते थाके। एदिके सर्वशक्तिमान महान आल्लाह ताआला माशितार साथे जा होच्छिलो ता सम्पर्के तिनि अवगत छिलेन। फले आल्लाहर पक्ष थेके ओई समय एकटी अलौकिक घटना संघटित हय। आर ता एई छिलो जे जेई निष्पाप शिशुटी एखोनो कथा बोलते पारतो ना से हठात्तई राजदरबारे सकलेर सामने कथा बोलार शक्ति पेये जाय। से दरबारे सकल मानुषेर सामने माके उद्देश्य करे बोले ओठे, हे आमार मा, आपनि सठिक पथे आछेन। प्रकृतपक्षे दुनियार शास्ति आखिरातेर शास्तिर चेये अनेक हालका ओ सहज। शिशुटिर आवाज़ शुने फेराउनेर दरबारे उपस्थित समस्त लोकेरा केंपे उठे, किन्तु तादेर अंतरेर ताला तखनो खुलेनि। किछुक्षणेर मध्ये एई शिशुटिकेও उत्तप्त कराइते फेले देওয়া হয়। फले एकटी निष्पाप प्राण मृत्युके आलिंगन करे नेয়। एदिके चोखेर सामने फेराउनेर निष्ठुरताय सब सन्तानेर कष्टकर मृत्यु देखे माशितार हृदय भेंगे जाय। तिनि चाइले तार निष्पाप सन्तानदेरके एई यंत्रणादायक मृत्युर हाथ थेके बाँचाते पारतेन। एर जन्य ताके शुधुमात्र एकटी कुफुरी शब्द उच्चारण कराई यथेष्ट छिलो, किन्तु तिनि जीवन बाँचानोर जन्य कोनो अजुहात ग्रहण करेननि एबं तिनि विश्वास करेछिलेन जे तार प्रभु तार जन्य एई ध्वंसात्मक जगतेर चेये अनेक बेशी किछु धार्य करे रेखेछेन। অতঃপর সৈন্যরা ওই মহিলাকে ধরে কড়াইতে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় মাশিতার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। তিনি ফেরাউনের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমার একটি অনুরোধ আছে। ফলে ফেরাউন কিছুটা আশার আলো দেখতে পেল। তাই ফেরাউন বলল, হ্যাঁ, তুমি কি বলতে চাও? মাশিতা বললেন, তুমি আমার ও আমার সন্তানদের হাড়গোড় সংগ্রহ করে একসাথে এক জায়গায় সেগুলোকে কবরস্থ করবে, এটাই আমার শেষ অনুরোধ। ফেরাউন উত্তরে বলল, তোমার জন্য অন্তত এটা তো আমরা করতেই পারি। তারপর মাশিতা তার চোখ বন্ধ করে নেয়। অতঃপর সৈন্যরা তাকেও কড়াইতে ফেলে দিয়ে মৃত্যু দেয়। এই ঘটনার প্রায় 2000 বছর পর শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীতে আগমন করেন। তাকে যখন এক রাতে মেরাজের সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন মেরাজের রজনীতে যখন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল মাকদিসে পৌঁছান, তখন তিনি মিশরের দিক থেকে একটি সুগন্ধি পেতে শুরু করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জিবরিল, কত সুন্দর সুগন্ধি, এই জান্নাতি সুগন্ধি কোথায় থেকে আসছে? তখন জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন, হে আল্লাহর নবী, ফেরাউনের মেয়ের একজন দাসী ছিল যার ইমানের জন্য তার এবং তার সন্তানদের জীবন বিসর্জন করতে হয়েছিল। অতঃপর তার এবং তার সন্তানদের হাড়গুলো কবর দেওয়া হয়েছিল। যেদিন তাদের কবর দেওয়া হয়েছিল সেদিন থেকেই এই সুগন্ধি আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই সুগন্ধি আসতেই থাকবে। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় বন্ধুগণ, প্রকৃতপক্ষে আমরা কতই না সৌভাগ্যবান যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইমানের মতো সম্পদ দান করেছেন। অথচ এই ইমানের জন্য মানুষ তাদের জীবন ও তাদের সন্তানদের জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে, কিন্তু আমরা কত সহজে এই ইমান পেয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের ইমান হেফাজত করুন। আমিন।